अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ड्रामा सीरियल के साथ दिल ड्रामे के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग का कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले, उसकी मुकम्मल कहानी आज के वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेशगी करने वाले। जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना, जल्द जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो किसाई दिल ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन यहाँ पर आप जो है वो आरिब और नाज़रीन नया बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में जो है वो प्यार डेवलप हो रहा है, और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नाज़रीन यहाँ पर आप जो है वो बहुत ज़्यादा अमर जो है वो अपनी जो है वो ज़िंदगी की दुआएँ मांग रहा है कि अल्लाह यहाँ पर मुझे माफ कर दे, मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी सुनी जाएगी। और यहाँ पर इसकी बीवी जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान होगी, लेकिन इसने जो सनिया को कह कह के यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मनाया था, तो नाज़रीन सनिया यहाँ पर जो है ये केस वापस ले लेगी खून बहा के एवज, जिसकी वजह से नाज़रीन यहाँ पर ये जो जैसी भाई रहेगा बहुत ज्यादा खुश होगा। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सनिया इसे जो वो इतनी ज्यादा आसानी से नहीं रहने देगी, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि नाज़रीन यहाँ पर वो जो इसने का बाप जो ऑफर वगैरह दे के आया था उस पर ये अमल करे, और यहाँ पर शायद जो है वो अमर से कह के मुझे शादी करो, यहाँ पर वैसे मैं तुम्हें जो है नहीं माफ़ करूँगी, दोबारा से अंदर डलवा दूंगी, या इस तरह का कोई मामला, जिसकी वजह से नाज़रीन यहाँ पर ये जो वो शायद इससे जो वो शादी कर भी ले, और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बीवी नाज़रीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉक्ड में आ जाए, और यहाँ पर इन लोगों में जो वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह जो वो पड़ती रहें, और यहाँ पर ये सनिया इस घर को जो जहन्नम बनाने के ही इरादे से उस घर में जो वो आई हो, यहाँ पर कोई भी जो चैन से सुकून से ना रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि नाज़रीन एसआर से शादी कर ले, और नाज़रीन यहाँ पर एसआर शायद मान भी जाए, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सनिया किसी और तरीके से भी यहाँ पर ये बदले वगैरह ले सकती है, या यहाँ पर यही काम कर सकती है? और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नाज़रीन मिराल नाज़रीन यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा चलाक समझ रही है, यहाँ पर वो एक बहुत ज़्यादा लड़ लड़ के आरिफ से यहाँ पर जो है वो तलाक के साथ साथ यहाँ पर अपना जो हक महर भी ले लेगी, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी से यहाँ पर अपने जो है वो दोस्त अयाज के साथ घूमती फिरती रहेगी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर उसने जिस तरह से गाड़ी वगैरह गायब की और भी बहुत कुछ किया, तो नाज़रीन यहाँ पर वो इसे पूरा जो अच्छी तरह से निचोड़ेगा, जिसके बाद नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जब असलियत सामने आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बाद में बहुत ज़्यादा पछताने वाली है, बहुत ज़्यादा रोने वाली है, यहाँ पर इसके सामने हाथ जोड़ने वाली है, आरिफ के पास आ आके यहाँ पर ये जो आखिर में माफ़ी मांगेगी। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी माँ भी इसे समझाएगी, इसे कहेगी कि यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी मत जाओ, लेकिन यहाँ पर तुमने जो वो आरिफ को छोड़ दिया, यहाँ पर जिसके साथ तुम्हारे बाबा ने यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता तय किया था, यहाँ पर उसी के साथ रहती तो ठीक था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी जो इजहार करेगी हाँ यहाँ पर मैं गलत थी। और भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम लोगों को इस ड्रामे में देखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ आरिफ और नाज़रीन नया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ यहाँ पर जब सार बाद में जब वो फिर से कोई ना कोई जो टांग हटाने की कोशिश करेगा, और शायद ये भी हो सकता है कि नया का यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो मामला वगैरह हो, यहाँ पर उसे जो प्रॉपर्टी मिलनी हो नाज़रीन एसआर यहाँ पर वो भी दबाना चाहे, कहे कि यहाँ पर इसे जब कुछ नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ नाज़रीन नया भी इतनी ज़्यादा आसानी से इस एसआर को और नाज़रीन अपने भाई को इतनी जल्दी जब माफ़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से नाज़रीन ये यहाँ पर काफ़ी कुछ जब कर सकती है। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ यहाँ पर आरिफ के दिल में भी यहाँ पर हो सकता है कि नया के खिलाफ कोई ना कोई जब भड़का दे, जिसकी वजह से नाज़रीन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जब भड़क भी जाए, काफ़ी ज़्यादा जब इस तरह के मामले हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और नाज़रीन इसके साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर भी आ सकते हैं जो यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा कुछ जो वो कर सकते हैं, और नाज़रीन जिसकी वजह से यहाँ पर नया बहुत ज़्यादा जो वो टूट भी सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये दोबारा से जो वो प्रेग्नेंट हो जाए, और इसके साथ साथ नाज़रीन सनिया भी यहाँ पर जो है वो अपना जो वो काम आगे करके रखे, यहाँ पर किसी को यहाँ पर जो वो अपने आस पास भी ना खड़ी होने दे, और यहाँ पर ये जो है वो इसके जो बच्चे को नया के अपने पास जो रखना चाहे, यहाँ पर उससे प्यार करना चाहे, यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ जो वो करेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो वो बहुत ज़्यादा स्मूथली बहुत ज़्यादा आराम आराम से इसी तरह से होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मुझे लगता है ये अभी तक जितना ड्रामा देखा उसके हिसाब से जो कुछ मुझे लगा कि यहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को मुकम्मल कहानी बता दी। वैसे जो है वो नई जो कहानी यहाँ पर जो जैसे जैसे ये ड्रामा चलेगा, जैसे जैसे कोई नए करेक्टर्स आएंगे और भी बहुत कुछ होगा, वो सब कुछ हम जो है वो इसी वीडियो में जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट स्टोरी वाली वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, सेकंड लास्ट एपिसोड वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये टोटली हमारी प्रेडिक्शन थी, आपके ख्याल से यहाँ पर क्या होना चाहिए, एसआर के साथ क्या होना चाहिए, उसका अंजाम क्या होना चाहिए और भी बहुत कुछ, ये टोटली हमारी प्रेडिक्शन वीडियो थी। तो अगर आप लोगों को इसके किसी भी पॉइंट से यहाँ पर इख्तलाफ है, आप लोग एग्री डिसएग्री किससे क्या करते हो लाजमी से बताते जाना। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।